सामने दोस्तों मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी A05S मौजूद है और आज की वीडियो के अंदर हम टेस्ट आउट करने वाले हैं, गेम टेस्ट करेंगे फ्री फायर को। देखते हैं हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी A05 इस गेम को कैसे और कितना अच्छे से प्ले कर पाता है, और ग्राफिक्स भी चेकआउट करेंगे। इसके अलावा हीलियो G85 का आपको चिपसेट देखने को मिल जाता है सैमसंग गैलेक्सी A05S के अंदर, जबकि A05 से डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि आपको यहाँ पे A05S के अंदर 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है और ग्राफिक्स की सेटिंग भी ऑलमोस्ट सेम है। HD के साथ आप गेम प्ले कर सकते हैं, तो गेम प्ले करते हैं उसके बाद आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा कि सैमसंग गैलेक्सी A05 लेना चाहिए या फिर A05S लेना चाहिए। ओवरऑल थोड़ी सी अपग्रेड है A05 और A05S के दरमियान।
गेम प्ले आपने यहाँ पे देखा सैमसंग गैलेक्सी 05s के अंदर फ्री फायर का, और फायर कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, स्मूथ आपको यहाँ पे गेमिंग देखने को मिल रही है। क्योंकि मेन रीज़न यहाँ पे जो है वो आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी आपको सपोर्ट करता है गेम प्ले के अंदर। और सैमसंग गैलेक्सी 05 के अंदर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट नहीं मिलता, 60Hz का ही आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ यूज़फुल लगी होगी। वीडियो को लाइक करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह।